गुड डे स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर स्मिता शर्मा है। मैं फिज़िक्स में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर में। मैं आपको बीएससी पार्ट वन क्लास का फिज़िक्स का फर्स्ट पेपर पेपर फर्स्ट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस मैकेनिक्स एंड ऑसिलेशंस पढ़ाऊँगे, निर्देश तंत्र यांत्रिकी एवं दोलन। यह पेपर एमजीएस यूनिवर्सिटी के प्रेस्क्राइब सिलेबस के अनुसार पढ़ाऊंगे। अब सबसे पहले बीएससी पार्ट वन में एमजीएस यूनिवर्सिटी के अनुसार तीन पेपर होते हैं, उसमें से ये फर्स्ट पेपर है। प्रत्येक पेपर के अंदर 5 यूनिट होती है, तो हर एक यूनिट में एक या दो चैप्टर्स होते हैं और क्वेश्चन पेपर उन यूनिट के हिसाब से ही सेट होता है। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें यूनिट वन शुरू करेंगे। यूनिट वन हमारी है निर्देश तंत्र। तो हम सबसे पहले अब निर्देश तंत्र, आप लोगों ने फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, आप लोगों ने फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस पढ़े होंगे मैथ्स के अंदर। मैथ्स में हमने जनरली तीन टाइप के पढ़ रखे हैं, कार्टिजन, कार्टीजीय, स्फेरिकल जिनको हम कहते हैं गोलीय, और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, बेलनाकार फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। ये तीनों प्रकार के आपने पढ़ रखे हैं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे को किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं। उसकी पोजीशन किसी मूल बिंदु या ओरिजिन के रिस्पेक्ट में कैसी है, उनको व्यक्त करने के लिए काम में आते हैं। अलग अलग पैरामीटर्स इनमें यूज़ किए जाते हैं। इन सब चीज़ों को हम विस्तार पूर्वक मैथ्स में पढ़ते हैं। तो अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करना चाहें तो वो क्या होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज़ डिफाइंड एज द सिस्टम और बॉडी विद रिस्पेक्ट टू विच पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज़ डिफाइंड। मतलब वह निर्देश तंत्र वह तंत्र होता है जिसके सापेक्ष किसी कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, ये कोई निकाय भी हो सकता है और ये कोई पिंड भी हो सकता है। अब फिज़िक्स के आधार पर हम फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस को एक दूसरे नज़रिए से पढ़ेंगे। वो क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिज़िक्स के आधार पर हम दो प्रकार के मानते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब इन दोनों क्या हैं, ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनको समझने से पहले हमारे को जड़त्व के बारे में पता होना चाहिए। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया क्या होता है, किसी बॉडी के ऊपर अगर हम फोर्स नहीं लगाते तो वो, अगर फोर्स नहीं लगाते और वो बॉडी स्थिर पड़ी हुई है, स्टेशनरी है, तो वो स्थिर पड़ी रहेगी। अगर वो चल रही है और कोई फ्रिक्शनल फोर्स उस पर नहीं लगता है तो वो चलती रहेगी। तो ये दोनों ही चीज़ें उसके जड़त्व का आधार होती है। इसको हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। इन्हीं के आधार पर हम फिज़िक्स में दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी जो है वो हमारी स्थिर होगी। ठीक है, तो इस आधार पर, ये द्वितीय नियम है न्यूटन का, इस आधार पर हम फ्रेम ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डिस्क्राइब करते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इट इज़ दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद रिस्पेक्ट टू विच द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी नॉन एक्सेलरेटेड इफ नो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। यानी कि यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है तो उस वस्तु का की जो गति है वो हमें त्वरित नहीं दिखाई पड़ती। अगर ऐसा कोई निर्देश तंत्र है जिसके सापेक्ष उसकी गति त्वरित नहीं दिखाई पड़ती तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस या निर्देश तंत्र को हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अच्छा, इस स्थिति में, ये स्थिति कब आती है, जब किसी वस्तु पर यदि बल नहीं लग रहा तो या तो वो वस्तु स्टेशनरी है या फिर वो एक नियत वेग से गतिमान है। ठीक है, तो इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की खास बात ये है कि वह इसके अंदर न्यूटन का प्रथम नियम जो जड़त्व का नियम कहलाता है और द्वितीय नियम, दोनों ही वैध रहते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ आर वैलिड इन दीज फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस।
और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस या न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। अब दूसरा है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में खास बात यह है कि यदि किसी वस्तु पर, जो हमारा न्यूटन का नियम है वो कहता है अगर उस पर किसी वस्तु पर फोर्स नहीं लग रहा तो वो त्वरित गति उसकी नहीं दिखाई देगी, उसकी जो गति है या तो वो शून्य गति, मतलब उसकी गति शून्य दिखाई देगी या वो नियत वेग से चलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यदि हमारे को ऐसा लगे कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है किंतु उसके बावजूद किसी जड़त्वीय किसी निर्देश तंत्र से उस वस्तु की गति देखने पर वो त्वरित दिखाई दे, तो ऐसा निर्देश तंत्र हमारा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, यानी बाह्य बल नहीं लग रहा लेकिन तो उसकी गति हमें नियत वेग से चलती हुई दिखाई देनी चाहिए यदि वो गतिमान है, और स्थिर है तो वो स्थिर दिखाई देना चाहिए। लेकिन हमारे को जिस निर्देश तंत्र से हम देख रहे हैं उसमें हमें वो कैसा दिख रहा है, दे रहा है त्वरित गति से चलता हुआ दिखाई दे रहा है, और रुका हुआ है तो भी वो हमें गतिमान दिखाई दे रहा है। ऐसे निर्देश तंत्र जो है वो हमारे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। इसमें हम आराम से कह सकते हैं इसमें न्यूटन का प्रथम और द्वितीय नियम दोनों ही वैध नहीं रहते। अब इसका उदाहरण क्या हो सकता है, उदाहरण हो सकता है हमारा रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, घूर्णन करते हुए निर्देश तंत्र हमारे इस कैटेगरी में आते हैं। इनको हम विस्तार पूर्वक से आगे के स्लाइड्स में पढ़ेंगे। इसका जो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो हमारा है अर्थ। अर्थ जो है वो हमारा एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है, यानी अर्थ क्योंकि अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है तो वो एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। इन निर्देश तंत्रों के कारण बहुत सारे प्रभाव है जो हमारे को पृथ्वी पर दिखाई देते हैं। इन सभी को हम विस्तार पूर्वक से आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। आज इस स्लाइड्स में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।